ग्रुप के सभी साथी को हम बताना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग सचिव शिक्षा मंत्री से मिले और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया गया और उनका यही कहना है, हम बोले कि सातवां चरण का विज्ञप्ति सर कब दे रहे हैं, आप घोषणा कीजिए। तो बोले कि छठा पूरा होगा तब करेंगे। तो मेरा प्रश्न था कि छठा तो पूरा हो गया क्योंकि काउंसलिंग छठे चरण का पूरी हो चुकी है, तो वो बोले कि आपके कहने से हम छठा चरण पूरा थोड़े मानेंगे, अभी नियुक्ति पत्र बाकी है। इसीलिए हम लोग का बस आज का इतना ही रहा एनालिसिस कि शिक्षा मंत्री जी सातवें चरण के लिए पॉजिटिव है, सातवां चरण आएगा लेकिन कब आएगा इसका कोई तिथि पता नहीं चल रहा है। निश्चितकालीन है कि अप्रैल में आएगा कि मई में आएगा कि जून में आएगा। शुरू से हम यही बोल रहे हैं आप लोग को कि सातवां चरण तो आएगा लेकिन कब आएगा ये शिक्षा मंत्री भी आज कुछ भी नहीं बताए, न तिथि बताए न कुछ बताए। बस उनका यही कहना है कि छठा पूरा होगा तब हम सातवां देंगे। और अप्रैल में आचार संहिता है आपका 7 तारीख तक, तो 7 तारीख के बाद जब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तब हो सकता है सातवें चरण पर विचार हो, और ऐसा कल सचिवालय में भी बोला गया था। सिद्धार्थ सर थोड़ा बोलेंगे कुछ। जी बिल्कुल, अगर हमारे विचार से भी यही लग रहा है कि यहाँ जो है एक निर्धारित तिथि अभी तक मिला नहीं है, तो अब हम लोग आगे का रणनीति के बारे में भी सोचें और क्या है कि अब हम लोग जो है अब देखते हैं क्या करते हैं। शाम तक हम लोग और भी बातें करके हम लोग आपस में विचार करके बताएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है।